अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है मेरा इम्पैक्ट अफिलिएट अकाउंट और उसकी अर्निंग हिस्ट्री, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 49,000, जो कि इन्वेटो एलिमेंट्स जो कि एक वेबसाइट है, कंपनी है, उसकी अफिलिएट अर्निंग है मेरी ये। और उसके बाद नेमचीप से मेरी अर्निंग है, उसके बाद कैनवा से। तो ये है इम्पैक्ट अफिलिएट डॉट कॉम, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं और यहाँ से जो ब्रांड्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनके साथ आप अफिलिएट पार्टनर उनको ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आपको एक यूनिक लिंक मिल जाती है उन कंपनीज की तरफ से जो कि आप प्रमोट करते हैं, और जब कोई भी उस लिंक के जरिए से उस कंपनी पे साइन अप करेगा या उस कंपनी की सब्सक्रिप्शन लेगा उस टूल की, तो आपको वो ट्रैक होगी लिंक, तो आपको उसका यहाँ पे कमीशन मिलेगा। तो ये है इम्पैक्ट अफिलिएट अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली। तो इस पे मैं कुछ अर्सा पहले मैंने ये सारा काम किया जो मैंने आपको दिखाया, और फिर मैंने इसको काम करना छोड़ दिया, बिजी था दूसरे प्रोजेक्ट्स में। तो अब दोबारा इसको मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ दोबारा इस पे काम करने की, तो वो मैं इस पे वीडियोस भी साथ साथ बनाऊंगा और आपके साथ भी शेयर करूंगा कि कैसे मैं इसको टूल्स को प्रमोट करता हूँ। यहाँ पे अगर आप ब्रांड्स में आए तो माई ब्रांड्स में यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैं कौन कौन सी वेबसाइट्स के साथ जो मैं पार्टनर हूँ। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे प्लेसिट है, और ये डिफरेंट नीश में है। आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, मैं बेसिकली पहले क्या करता था, जो मेरे पास फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स आ रहे थे, तो जिस नीश में मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था उसी नीश के टूल्स के साथ, उसी नीश की जो कंपनीज हैं उनके साथ मैं पार्टनर हुआ, और फिर वही टूल्स क्लाइंट को मैंने उनके रेफर किया, तो उस पर क्लाइंट सब्सक्रिप्शन लेते थे और मुझे कमीशन मिलता था। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं अगर आप वेब डेवलपर हैं, तो नेमचीप के साथ आप यानी कि अफिलियट पार्टनर हो जाएं, और नेमचीप यानी कि होस्टिंग और डोमेन कंपनी है, डोमेन होस्टिंग सर्विसेज कंपनी है। तो अगर आपका कोई क्लाइंट हो जिसको चाहिए और डोमेन होस्टिंग, तो आप उसको ये रेफर कर दें। और मुख्तलिफ कंपनीज हैं यहाँ पे, शॉपिफाई है, इन्वेटो एलिमेंट्स है, इन्वेटो एलिमेंट्स में बहुत सारी थीम्स, ग्राफिक टूल्स, बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है डिजिटल एसेट्स की। तो ये आप अपने क्लाइंट्स को रेफर कर सकते हैं, या आप अपना एक यूट्यूब चैनल बना के प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप ब्लॉग अपनी बना लें और उसमें ब्लॉग पोस्ट एफिलिएट ब्लॉगिंग करके आप यानी कि इनको प्रमोट कर सकते हैं और अपना कमीशन इससे निकाल सकते हैं। तो ये है शॉपिफाई। शॉपिफाई आपको मुख्तलिफ इसके यानी कि प्रमोट एंड अर्न जो कि ऑप्शन है, यानी कि जो बेसिक है वो $25 से $150 आपको मिलेगा, और अगर ये POS प्रो सेल API अगर ये कोई ज्वाइन करता है शॉपिफाई का, तो आपको सीधा सीधा $500 आपको कमीशन में मिलेंगे। और इसका अगर कोई ट्रायल लेता है तो उसके कोई पैसे नहीं है, लेकिन ये ऐसे है कि अब देखिए लिंक्डइन जो है ना, मैं यूज़ करूँगा लिंक्डइन, और मेरे पास अपनी वेबसाइट है जिसपे मैं अफिलिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं लिंक्डइन पे करना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि लिंक्डइन पे बहुत ज़्यादा यानी कि प्रोफेशनल लोग हैं इस पे ऑलरेडी, तो वही सीरियस होते हैं जो कि यानी कि इसको। तो यहाँ पे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, तो पहले ही मैंने इस पे आर्टिकल्स वगैरह लिखे हुए हैं, और मैं अब यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि अब मैं यानी कि प्रमोट करना चाह रहा हूँ ये किटल, किटल के साथ मेरी यानी कि एफिलिएट है मेरे पास, तो ये है जी किटल। कहाँ पे है ये किटल? एक टूल है जिसमें हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कैनवा इसी तरह किटल है। तो किटल हमें 50% देगा जो अगर इसकी सब्सक्रिप्शन कोई मेरी लिंक से जाके परचेज करेगा। तो अब मैं मुझे प्रमोट करना है, तो मैंने इसके ब्लॉग पे गया हूँ, तो ये मैं स्टडी कर रहा था इसकी ब्लॉग, ये यहाँ पे क्या क्या यानी कि ये खुद कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ये देखें टी शर्ट डिज़ाइनिंग में प्रमोट कर रहे हैं। तो अब मुझे एक टूल चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये है कीवर्ड प्लानर, गूगल का फ्री टूल है। आप गूगल पे जाएंगे और कीवर्ड प्लानर यानी कि लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, आपको गूगल पे वीडियोस पे यूट्यूब पे मिल जाएंगी। इसको आपने बुकमार्क कर लेना, मैंने इसे बुकमार्क किया और मैं डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करता हूँ और सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, और एक है आप आपके पास कीवर्ड हो, जैसे मैं आप लिख रहा हूँ मेरा कीवर्ड यानी क्या है, फोकस के कल प्रिंट ऑन डिमांड, जो लोग प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं उनको मैं टारगेट करना चाहता हूँ ताकि वो इसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो मैं ये कीवर्ड देखता हूँ कि इसकी कितनी सर्च वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम आ रहा है यानी कि 10 से 100, 100, और यहाँ पे चेंज भी आ रहा है +900%, और कंपटीशन भी लो है। कीवर्ड ठीक है लेकिन वॉल्यूम उस लिहाज से कम है। तो अभी ये कीवर्ड भी इस पे मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अब मैंने यानी कि ये देखिए एक ऑप्शन है स्टार्ट विद वेबसाइट, तो मैंने क्या किया यहाँ पे कि ये जो ब्लॉग थी इनकी, ये मैंने URL यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा यूज़ दिस पेज और गेट रिजल्ट, कि जो ये इस पेज पे कीवर्ड्स जो यूज़ कर रहे हैं ना रैंकिंग के लिए वो मुझे निकाल के दो। तो अब यहाँ पे मुझे देखें ये जो जो कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं उनका पेज, वो कीवर्ड्स मुझे निकाल के दे रहा है यहाँ पे। तो ये फ्री टूल है, और बहुत सारे पेड टूल भी हैं अगर आपके पास हैं, लाइक RFS, सेमरश है। अगर आपके पास वो टूल्स हैं पेड हैं तो बेहतरीन, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये गूगल का अपना टूल है और फ्री है। तो यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइन पहला कीवर्ड है और इसकी 100K to 1 million सर्चेज हैं और लो कंपटीशन है। और अगर इस पे यानी कि आर्टिकल लिखा जाए और वो रैंक कर जाए आर्टिकल, तो ये यानी कि जो PKR 902 रुपए आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसकी लो बिड बिड है। और अगर ये टॉप बिड जो है हाई, वो है 3,000 रुपए। तो इस पे अगर आपका आर्टिकल रैंक कर जाए, कोई अगर ग्राफिक डिज़ाइन गूगल पे सर्च करे, तो आपकी वेबसाइट का जो ब्लॉग पोस्ट है वो उसको यहाँ पे मिले, जैसे ये 99 डिज़ाइन का आ रहा है और वो यहाँ पे आके पड़े, तो उसको यानी कि आपको उसका जो रेट मिलेगा या एड क्लिक यानी कि जो मिलेंगे पैसे, तो वो लिखे हुए यहाँ पे। उसके बाद किटल डिज़ाइन है, ये कीवर्ड्स आ गए जो जो कीवर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट, तो बिकम ग्राफिक डिज़ाइन है। तो यहाँ से अब मैंने यानी कीवर्ड उठाना है जिसपे मैं फिर एक अपना आर्टिकल लिखूंगा, अफिलिएट आर्टिकल, उसमें अपनी लिंक प्रमोट करूंगा। तो यहाँ से यानी कि मल्टीपल कीवर्ड्स हैं ये देखिए। इसमें आपने ये भी देखना, अगर जिसके पास +900% यानी कि अब इसकी सर्चेज बढ़ रही हैं, तो ऐसे कीवर्ड भी अच्छे हैं, लेकिन ये देखिए मीडियम कंपटीशन इसका मीडियम है,
तो यह कि लिंक्डइन पे मैंने लिखना है, तो अगर अपनी वेबसाइट है उसके उस पर यह होता है कि मीडियम कीवर्ड, उस पर यह होता है कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड्स पे लिखें ताकि आपकी वेबसाइट रैंक कर सके। अगर हाई कंपटीशन या मीडियम कंपटीशन कीवर्ड्स पे लिखेंगे तो आपकी नई साइट होगी, डोमेन अथॉरिटी इतनी नहीं होगी, तो वो आपकी मुश्किल है रैंकिंग वहाँ पे। तो लिंक्डइन पे लिखना है तो लिंक्डइन की तो डोमेन अथॉरिटी अचीव है, यानी कि तो उस पर हो सकता है कि ये रैंक कर जाए अगर मैं वेल ऑप्टिमाइज एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिखूँ तो, यानी कि। तो उसके बाद एक और ये कीवर्ड है एआई ग्राफिक डिज़ाइन, और ये कीवर्ड एआई फॉर ग्राफिक डिज़ाइन और एआई ग्राफिक डिज़ाइनर, एआई टूल्स फॉर ग्राफिक डिज़ाइनर, बेस्ट वे टू लर्न ग्राफिक डिज़ाइन। तो इस तरह आपने भी कीवर्ड फाइंड करने हैं सबसे पहले, और जब फाइंड कर लें तो उसके बाद आपने एटसी ग्राफिक डिज़ाइनर उस पर कंटेंट लिखवाना है, एआई से लिखवा लें और फिर प्रमोट करें। अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं तो अपनी अपनी पे पोस्ट करें, अदरवाइज लिंक्डइन पे कर सकते हैं, मीडियम डॉट कॉम पर कर सकते हैं। तो ये आपका अपना है कि आप जहाँ मर्जी इसको प्रमोट करें। वेबसाइट फॉर डिज़ाइनर, अडोब इलस्ट्रेटर फॉर ग्राफिक डिज़ाइन, तो कीवर्ड यहाँ से किटल, किटल डिज़ाइन ऐप, ए आई एंड ग्राफिक डिज़ाइन, ए आई एंड ग्राफिक डिज़ाइन एडिटोरियल और ए आई ग्राफिक डिज़ाइन टूल। तो ए आई जो है ना ये, यानी कि ए आई के जो ग्राफिक डिज़ाइन टूल्स वगैरह, इस पर यानी कि सब चीज़ ज़्यादा बढ़ रही हैं, लोग सर्च कर रहे हैं कि कौन कौन से नए टूल्स आ गए हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर यूज़ कर सकते हैं ए आई के। तो इस पर अगर हम आर्टिकल लिख लें तो ये बेहतरीन है। डिज़ाइन ट्रेंड्स, ये भी लोग सर्च कर रहे हैं कि डिज़ाइन ट्रेंड्स कौन से हैं। आप यूट्यूब से भी आइडिया ले सकते हैं कि लोग कैसे कैसे यानी कि वीडियोस बना रहे हैं, और डिज़ाइन सेलिंग वेबसाइट, तो ये जहाँ से डिज़ाइन सेलिंग वेबसाइट ये देखते हैं। अच्छा नहीं, ये ठीक नहीं है, कीवर्ड एआई एंड ग्राफिक डिज़ाइन ये कीवर्ड उठा लेते हैं। और अब यानी कि साथ में चैट जीपीटी पे आ जाते हैं, तो चैट जीपीटी में यहाँ पे ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक मिनट में, ये मेरे पास प्रॉम्प्ट लिखी हुई है जिसका यूज़ करता हूँ मैं और आर्टिकल लिखवाता हूँ, ब्लॉग पोस्ट। और अब यहाँ पे एआई एंड ग्राफिक डिज़ाइन ये मेन कीवर्ड, प्रोड्यूसर ये कीवर्ड मैं गूगल करूंगा, और यहाँ से जो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आते हैं ये भी कुछ मैं उसको दूंगा ताकि यहाँ से और इन्फॉर्मेशन मिले, लाइक हाउ ए आई यूज इन ग्राफिक डिज़ाइन, इज ए आई अ थ्रेट टू ग्राफिक डिज़ाइन, कैन ए आई रिप्लेस ग्राफिक, इज देयर अ फ्री एआई टू मेक ग्राफिक डिज़ाइन। यूज आर नॉर्मल फॉर ट्रेनिंग, तो यहाँ से आपने कुछ क्वेश्चन कॉपी कर लेने हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ठीक है, इतने बहुत हैं क्वेश्चन, और अब इसको मैं सेंड कर देता हूँ। तो ये आर्टिकल अब यानी कि लिखना स्टार्ट हो गया, और रेवोल्यूशनाइजिंग क्रिएटिविटी ए आई एंड ग्राफिक डिज़ाइन ऑन गेट इन द फर्स्ट वर्ल्ड इंडियन ग्राफिक डिज़ाइन जनरेशन वर्टिकल ए आई इंट्रोडक्शन आ गया, उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी ए आई एंड ग्राफिक डिज़ाइन ए आई थ्रेट और लर्निंग। अच्छा एक चीज़ हम इसमें भूल गए हैं कि मैंने इसको बताना था कि इसमें जो है ना किटल का यूज़ करें एज एन एफिलियट, मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा बहुत इसको मैं किटल के बारे में बताता हूँ ताकि।
इडियट आर्टिकल इन विच आई वॉन्ट टू प्रमोट माई अफिलियट लिंक। तो अब ये एनकेटल का भी यूज करेगा उसमें, और फिर इसमें मैं अपनी अफिलियट लिंक ऐड कर दूंगा, तो इस तरह चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि लोग, ये देखा यहाँ पे भी इसने ऑप्शन दे दिया कि इंसर्ट योर अफिलियट लिंक हियर। अब यानी कि दोबारा इसको रिवीजन ग्राफ लेना मुझे डिजाइन इंट्रोडक्शन गेटल अ डिजाइन एवोल्यूशन वी गेट इट। अच्छा जी ये आ गया। अब तो अब यहाँ पे जाएंगे और राइट आर्टिकल नेक्स्ट। तो अब यहाँ से मैं करूँगा कॉपी इसका टाइटल, और ये टाइटल यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उसके बाद बाकी जो आर्टिकल है वो कॉपी करना है आपने, और उसको ऐसे पेस्ट करना है। और अब यहाँ पे हमने इसको पूरी तरतीब देनी है इसकी, ताकि जो रीडेबिलिटी है वो सही रहे। तो इसको मैं थोड़ा ऐसे दो दो लाइंस में करूँगा, ताकि ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ ना लगे। तो यहाँ पे तो उसके बाद अच्छा अब इसको मैं एक बार रीड करूंगा। अभी थंबनेल भी इसका डिजाइन करना है, तो उसके लिए भी मैं कैनवा में इसका डिजाइन करूंगा थंबनेल। तो मैं जाके डिजाइन चेंज कर दूं, एनिमेशन डिजाइन प्लेटफॉर्म स्टैंड आउट एज़ एन इशू यूज इंप्रेशन एंड आर्टिकल एक्सप्लोरिंग फिलहाल कैन एल वीडियो डिजाइन एक्सपीरियंस डिजाइन एक्सपीरियंस। अच्छा लिंक मैं लेके आ जाता हूँ अपने, तो लिंक के लिए मुझे जाना है यहाँ पे होम पेज पे, और यहाँ से यह किटल, और यहाँ से मुझे ये लिंक कॉपी करनी है, और फिर मैं इसको यहाँ पे इन दिस आर्टिकल एक्सप्लोर यहाँ पे लगा देता हूँ एक लिंक यहाँ पे। और वन ऑफ किटल स्टैंड आउट फीचर इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे आपने यानी कि लिंक लगा देनी है डिजाइन पर, यहाँ पे एक लगा देता हूँ मैनुअल लाइन पे। तो ये मेरी लिंक लग गई। अब मैं इमेज यानी कि यहाँ से कैनवा यूज़ करूँगा, कैनवा में जल्दी से एक इमेज बना लेता हूँ थंबनेल जो कि होगा। तो यहाँ पे आपने आना है ऐप्स में, और ऐप्स में आपको एक ऐप मिलेगा ब्रांड फैच। ब्रांड फैच ये है, ब्रांड फैच में आपने जो भी किसी भी ब्रांड जो भी कंपनी का लोगो आपको चाहिए होगा, तो उसका आप नाम लिखेंगे, तो वो आपको लोगो ट्रांसपेरेंट मिल जाएंगे यहाँ से। और अब मैं यहाँ से फैच करता हूँ ये लोगो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ किटल, किटल डॉट कॉम, ये आ गई। अब मुझे यहाँ से मिलेगा लोगो, और लोगो मैं यहाँ से ये उठा लेता हूँ ऐसे। तो इस तरह आपने सिंपल सा ये थंबनेल बना लेना है, जो कि आपने ब्लॉग के लिए यूज़ करना है। और यहाँ से आप कोई और जो मर्ज़ी आप फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं आपको। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। वाइट कलर करते हैं, और बस ये ऐसे ठीक है फिलहाल। और इसको अब मैं डाउनलोड कर लेता हूँ PNG, PNG। और यहाँ पे आपने आके इसको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपने इसको एक बार रीनेम करना है, इसको जो कीवर्ड है मेन आपका AI एंड ग्राफिक डिजाइन विद इट, ये ऐड कर लेते हैं, और ये आपका थंबनेल आ गया। तो इस तरह आपने यानी कि आपने अपने एफिलिएट जो ब्रांड्स हैं उनको प्रमोट करना है, उनसे कमीशन अर्न करना है। तो इसका यानी कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसमें मैंने पहले ही वीडियोस बनाई है लिंक्डइन के जो आर्टिकल हैं, इसको आप अपनी सर्विसेज भी प्रमोट कर सकते हैं इस तरह। और अगर आप यानी कि एफिलिएट कर रहे हैं तो वो भी प्रमोट कर सकते हैं। तो यानी कि आपने इसका फ़ायदा उठाना है लिंक्डइन आर्टिकल्स का, और इसको प्रमोट करना है। तो आपको यानी कि मैंने पहले भी यहाँ पे आपको दिखाया अपने जो प्रीवियस अर्निंग्स थी, अर्निंग हिस्ट्री, तो ये बेहतरीन है। इम्पैक्ट एफिलिएट डॉट कॉम, इस पर आप ज्वाइन करें। इस पे मैंने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं कि आपने कैसे इस पे काम करना है, कैसे ज्वाइन करना है इसको, तो उसको प्रमोट करें। ये अच्छी पैसिव इनकम है, एक बार आपने यानी कि प्रमोट करना है इसको, और फिर आपको इस पे कमीशन मिलेगा।
तो ये हमारा यानी कि कैपिटल के बारे में आ गया। तो अब मैंने इसको देखना क्या कि अब 30 डेज कुकीज लिमिट होती है इसमें, तो 30 दिन के बाद मैं ये 30 दिन से पहले मैं इसको फिर से एक बार ये लिंक अपडेट कर लूंगा यहाँ पे आके, वहाँ से नई लिंक कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके इसको रिमूव करके पुरानी लिंक को रिमूव करके नई वाली लिंक लगा दूंगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मजीद के, कोई भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा इसके बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।